हेलो वेलकम वेलकम टू द चैनल, मैं कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 6 बेस्ट फाउंडेशन फॉर इंडियन स्किन टोन एंड इंडियन वेदर के लिए, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे फाउंडेशन की जरूरत होती है जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो एंड स्वेट प्रूफ भी हो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत गर्मी होती है एंड सोने पर सुहागा हमें स्वेटिंग भी बहुत होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा ऐसे फाउंडेशन चूज करने चाहिए जो हमें हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि उन्हें बढ़ाएं। तो अगर आप अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन चूज करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये जो टॉप 6 फाउंडेशन होंगे ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज देंगे एंड सबसे अच्छी बात है कि ये फाउंडेशन आपके चेहरे पे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, मतलब ये आपके चेहरे पे काले नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ, जब बात कवरेज की आती है तो ये सारे फाउंडेशन आपको मीडियम टू फुल कवरेज देते हैं, बट फाउंडेशन का कवरेज टोटली आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इन सभी फाउंडेशन को एज अ लाइट कवरेज, एज अ मीडियम कवरेज और एज अ फुल कवरेज की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आपको अपने फाउंडेशन में अपना मॉइस्चराइजर एंड जेल मिक्स करके अप्लाई करना होता है। अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आपको फाउंडेशन की एक लेयर अप्लाई करनी होती है। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आपको फाउंडेशन की दो लेयर अप्लाई करनी होती है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फाउंडेशन कैसा रखना है, कितना कवरेज चाहिए और आपको कैसा मेकअप करना है। एंड जब बात लॉन्ग लास्टिंग एंड स्वेट प्रूफ की आती है तो ये सारे फाउंडेशन मैक्सिमम वर्क करते हैं उस पर। तो इस आशा के साथ वीडियो शुरू करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रहेगा। वीडियो को शुरू करेंगे पहले टेक अ मोमेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस तरह के और भी स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए, एंड घंटी के आइकन को प्रेस जरूर करेगा जिससे आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब मैं न्यू वीडियोज अपलोड करूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का बेस्ट फाउंडेशन। जो मेरा फर्स्ट फाउंडेशन है वो एलेगल का एसडी लॉन्ग रे इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है एंड इसमें आपको 13 कलर शेड मिल जाते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है सभी के लिए अपने लिए परफेक्ट कलर शेड चूज करना। इसमें जो मेरा शेड है वो न्यूड बेज है एंड सबसे अच्छी बात ये कि पैराबेन फ्री फाउंडेशन है एंड ये आपको फुल कवरेज देता है एंड आपकी स्किन पर ये लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करता है, क्योंकि ये लॉन्ग वियर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है तो आपकी स्किन पर हाइड्रेशन को भी ये बनाए रखता है जिससे आपकी जो स्किन होती है फ्लॉलेस दिखती है। लाइट वेट फॉर्मूला है ये एंड ये बहुत कंफर्टेबल होता है ऑल डे वियर के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन मेरे पास बहुत दिनों से है, मैंने बहुत बार इसका एप्लीकेशन अपने चेहरे पर किया है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि ये एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट फाउंडेशन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्किन पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है और इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इस फाउंडेशन को कैमरे के सामने भी वियर किया है, डे टाइम पर भी वियर किया एंड पार्टीज पर भी वियर किया और ये हमेशा वर्क करते हैं बिना स्किन पर ओवर दिखे। आपको बस करना ये है कि अपने स्किन से मैच करता हुआ शेड चूज करना है, दैट्स इट। और मेरी स्किन ऑली है, सेंसिटिव है एंड कभी कभी कॉम्बिनेशन भी हो जाती है एंड ये तीनों सिचुएशन पर ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड मेरी स्किन पर बिल्कुल कॉज नहीं करता एक्ने एंड पिंपल को। और एक बात, ड्राई स्किन वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फ्रंट पर ही मेंशन है कि ये लॉन्ग वियर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, मैं इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी जिससे आपको इसका टेक्स्चर पता चले। सुपर ब्लेंडेबल है, ये स्किन पर इजीली ब्लेंड हो जाता है और आफ्टर एप्लीकेशन ना स्किन पर एक ड्यूवी फिनिशिंग आती है। नेक्स्ट फाउंडेशन मेरा पैक का एच डी लिक्विड फाउंडेशन है और पहले ही बता दूं कि ये मेरा अभी तक का फेवरेट फाउंडेशन है। अभी मैंने कैमरा के सामने इसे ही वेयर किया है, इसका जो शेड है ना 1.9 मुझ पर बहुत ही खिल कर आता है, क्योंकि मैं मोस्टली कैमरा के सामने इसे ही वेयर करती हूँ, तो कैमरा सामने बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, बहुत बातें करनी पड़ती है, तो ऐसे कंडीशन पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है मेरे स्किन पर। और सबसे अच्छी बात है कि स्किन पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन में जाकर ये स्टिक नहीं होता है, इसके लिए भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें आपको 19 कलर शेड मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चूज करना अपने लिए परफेक्ट कलर शेड फाउंडेशन का। एंड क्योंकि ये एच डी फाउंडेशन है तो ये आपको फ्लॉलेस मेकअप बेस देता है, गारंटेड। मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, सुपर डुपर ब्लेंडेबल है स्किन पर, बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाते हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, आप इसे एज अ कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंडर आई ये क्रीज भी नहीं करता है, जो कि मैंने नोटिस किया है। एंड ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज भी देते हैं एंड स्किन पर आप इसे बिल्ड भी कर सकते हैं एंड आफ्टर ब्लेंड ना, क्योंकि ये लाइट वेट फॉर्मूला है, तो आफ्टर ब्लेंड ये आपकी स्किन पर ना नेचुरली सेकेंड लाइक स्किन जो है इफेक्ट देते हैं, तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, आपको इसे एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए, मस्ट हैव ये फाउंडेशन है। एच डी लिक्विड फाउंडेशन है ये, इसका पंप ख़राब हो गया था इसलिए मैं इसका ऐसे अप्लाई कर रही हूँ एंड सुपर डुपर ब्लेंडेबल है ये स्किन पर, आफ्टर ब्लेंड ना ये आपको ड्यूवी फिनिशिंग देता है। द
जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फाउंडेशन का वो मिलाने का 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर है। इसमें आपको 10 कलर शेड मिल जाते हैं, जिसमें मेरा शेड है वो लाइट बेज है। क्रुएल्टी फ्री ये फाउंडेशन है एंड आपको फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों का ये बेनिफिट देता है। वाटर रेसिस्टेंट ये फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है, स्किन पर इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि आपके फाइन लाइन एंड रिंकल्स पर ये सेट नहीं होते, क्रीज नहीं होते हैं और ये एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये स्किन पर स्टे करता है। ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट फाउंडेशन है। ड्राई स्किन वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर इसे अप्लाई करने के पहले मॉइस्चराइजर एंड फेशियल ऑयल ज़रूर यूज़ करें। जिन लोगों को स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए परफेक्ट फाउंडेशन है, जैसे कि मैं, क्योंकि ना मेकअप करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही स्वेटिंग होती है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद अगर आपको स्वेटिंग भी होती है तब भी फाउंडेशन रिमूव नहीं होता है। जैसे आपको टैपअप करते हुए स्वेट को वाइप कर लेना होता है, दैट्स इट। तो अगर आप अपने लिए लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज स्वेट प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। मिलानी 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर ये फाउंडेशन है, मैट फिनिशिंग ये देते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटीज की लगती है एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग है ये। नेक्स्ट फाउंडेशन मेरा शुगर का एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक है। इसमें आपको 19 कलर शेड मिल जाते हैं, जो मेरा शेड है वो 27 है। एंड ये जो फाउंडेशन है ना, ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो और इवन ड्राई भी हो, क्योंकि ये आपको मैट फिनिशिंग देते हैं ड्यूवी इफेक्ट के साथ एंड ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्किन पे स्टे करते हैं। वाटर प्रूफ ये फार्मूला है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फाउंडेशन है स्किन पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बटरी इसका टेक्स्चर है, स्किन पर बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। आप इसे एज अ कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके अंडर आई ज़्यादा डार्क नहीं है। तो मैंने इसे पार्टीज पर वेयर किया है एज अ फुल कवरेज एंड मैंने इसे डे टाइम पर भी वेयर किया है एज अ लाइट कवरेज की तरह, और ये दोनों तरीके से बहुत अच्छे से वर्क किया है इस फाउंडेशन ने। तो यस, परफेक्ट ऑप्शन है ये फाउंडेशन का, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। फाउंडेशन स्टिक है ये एंड ब्रश के साथ ही आता है, इसके साथ ही बहुत अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई हो जाते हैं। इसे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही बटरी टेक्स्चर है, ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, मैट फिनिशिंग देते हैं बट ग्लोइंग इफेक्ट के साथ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फाउंडेशन का वो नायका का स्किन शील्ड एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन है ये। इसमें आपको 15 कलर शेड मिल जाता है, जो मेरा शेड है वो हॉट हनी है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इस फाउंडेशन की ये लगती है ना, ये स्किन पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आपकी स्किन टोन को ये डाउन नहीं करता है और आपके फाइन लाइन एंड रिंकल्स पर ये सेट नहीं होता है एंड क्रीज नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। ऑल कंट्रोल ये फाउंडेशन है, साथ साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो ना ये आपको बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग देता है, जो स्किन पर बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है। लॉन्ग लास्टिंग ये फाउंडेशन है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसका यूज़ कर रही हूँ तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर शाम तक इसका यूज़ किया है। तो ये एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जिन्हें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये आफ्टर स्वेटिंग भी ये रिमूव नहीं होता है, आपको जस्ट टैपअप करते हुए वाइप कर लेना होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री है। तो इतना कुछ इस फाउंडेशन में है, तो आपको एक ट्राई जरूर करना चाहिए। फ्रंट पर ही मेंशन है कि एंटी पॉल्यूशन, ऑयल कंट्रोल एंड डीप हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ये। अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, ड्यूवी फिनिशिंग देते हैं एंड इसे लगाने के बाद स्किन बहुत अच्छी लगती है। जो लास्ट ऑप्शन है मेरा फाउंडेशन का, वो लॉरियल का इनफेलिबल 24 आवर्स मैट कवर फाउंडेशन है ये। इसमें 17 कलर शेड आपको मिल जाते हैं, जो मेरा शेड है वो गोल्ड सैंड है। ग्रेट फाउंडेशन है ये ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि ये मैट फिनिशिंग देते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं एंड इंस्टेंटली स्किन पर ड्राई हो जाते हैं। तो आपको जस्ट करना ये होता है ना कि स्किन के एक पोर्शन पर इसे अप्लाई करके फटाफट ब्लेंड कर लेना होता है, उसके बाद आप दूसरे पोर्शन पर अप्लाई करिए एंड ब्लेंड करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर टाइम हो जाता है ना तो इसे ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वही शेयर किया आपसे। तो यस, ये स्वेट प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग एंड मीडियम टू फुल कवरेज ये फाउंडेशन है ये। सुपर लाइट है स्किन पर ये, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता इसे अप्लाई करने के बाद एंड स्मूथ फिनिशिंग ये देते हैं। बट मेक श्योर इसे अप्लाई करने के पहले आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, फेशियल ऑयल अप्लाई कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो तो मैंने देखा था ना, कि लोगों ने बोला था कि ये बहुत ऑक्सीडाइज होता है, एक बार हाथों पर लगाया कुछ
देर के लिए छोड़ दिया, फिर दूसरा लगाया एंड कंपेयर किया, ये बहुत ऑक्सीडाइज हो गया। क्योंकि मैं जो भी रिव्यू वीडियो बनाती हूँ ना, उसके पीछे मेरा सर्च होता है एंड मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उन दोनों का मिक्सर ही से ही मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि आई डोंट नो लोग कैसे हाथों पर दिखाते हैं, बट मैंने जब भी सबने फेस पर अप्लाई किया है तो ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। तो यस, अगर आप अपने लिए मैट, लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत सही है, जितना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट निकलता है। इसे ब्लेंड करके भी मैं दिखाती हूँ। आफ्टर ब्लेंडिंग ना ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है एंड आपको मैट फिनिशिंग देता है। तो ये थे मेरे टॉप 6 बेस्ट फाउंडेशन फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन के लिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।